आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बेसन का पराठा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट बनकर तैयार भी हो जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं संतोष चौहान, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमने इस बेसन के पराठे को कैसे बनाया है। मैंने ली है यहाँ पर एक परात, उसमें डाला है एक कप बेसन, आधा कप गेहूं का आटा, एक छोटा चम्मच अजवाइन, एक चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, दो तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक प्याज बड़ा बारीक कटा हुआ। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, ताजा धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, धनिया पत्ती को भी मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बेसन को बाइंड करेंगे। पानी गुनगुना लीजिएगा, बेसन में बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालकर ही आपने बेसन बाइंड करना है, क्योंकि जो हमने प्याज वगैरह डाले हैं तो उनमें भी मॉइस्चर होता है। अब जितना भी आटा है उसकी हम लोई बना लेंगे, तो इतने आटे में 8 से 10 लोई मीडियम साइज़ की बनेंगी। अब गेहूं का आटा लेकर हमने इसको बेलना है, बहुत ही हल्के हाथों से बेलिएगा, हाथ को टाइट मत रखिएगा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला जाएगा ये, क्योंकि ये पराठा है तो रोटी की तरह ज़्यादा पतला मत बेलिएगा, थोड़ा सा रोटी से मोटा होना चाहिए। तो पराठा हमारा बेलकर तैयार है और तवा हमारा गर्म हो चुका है। एक बार गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो मीडियम कर देना, लो मीडियम फ्लेम पर ही पराठे को हमने सेकना है। एक तरफ से जब पराठा हमारा थोड़ा पक गया तो हमने इसको पलट दिया। अब हम इसमें लगाएंगे घी, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, घी या ऑयल जिसमें भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब इसको हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम इसमें घी लगा देंगे। फ्लेम लो मीडियम ही रहेगी, लो मीडियम फ्लेम पर ही आपने पराठे को सेकना है। तो बहुत जल्दी भी बन जाता है और आसान भी है बनाना। इसमें आप अगर अदरक ग्रेट करके डालना चाहें आटे में तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने अदरक नहीं डाली है, आपको अच्छी लगती हो तो आप डाल सकते हैं। तो दोनों तरफ से पराठे को पलट पलट कर हमने अच्छी तरह से सेक लिया। अब पराठा हमारा सिक चुका है, अब दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से सेक लेंगे, फ्लेम को लो मीडियम ही रखेंगे। तो पराठे हमारे बनकर तैयार हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपने रेसिपी बनाई तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी।